हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि हम आपके लिए स्टोरी लेके आते रहेंगे। तो आज क्लास 7th चैप्टर 1 द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ये स्टोरी इस स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, इससे आगे की नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल फ़ोन पर आती रहे। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कहानी इंट्रोड्यूस होती है दो बच्चियों से, जो कि एक का नाम अनीता रहता है और दूसरी बच्ची का नाम नंदिनी है। अनीता और नंदिनी दोनों पढ़ने में अच्छी हैं, लेकिन एक छोटी सी चेंजेस है दोनों में, जो कि आगे आपको स्टोरी में पता चलेगी। वो क्या है, कैसे है, अब इस स्टोरी में आइए देखते हैं कि कैसे नंदिनी की वजह से अनीता की कैरेक्टर्स में कैसे चेंजिंग आई और वह कैसे बदल गई, उस चीज़ को आइए 1 by 1 हम इसमें देखते हैं। दिया है अनीता न्यू शी डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स इन क्लास। अनीता को पता था कि उसकी क्लास में उसके ढेर सारे फ्रेंड नहीं हैं। हर क्लासमेट्स थॉट दैट शी वॉज बिग शो ऑफ एंड अनीता डिड नॉट माइंड देयर सेइंग सो। यानी कि उसके जो क्लासमेट थे वो ऐसा सोचते थे कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है एंड अनीता उस चीज़ को माइंड नहीं करती, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। आफ्टर ऑल इट वॉज़ द ट्रूथ, मिला जुला के सही भी था कि द ओनली थिंग्स अनीता केयर्ड अबाउट वॉज कमिंग फर्स्ट इन क्लास विच सी यूजुअली डिड। मिला जुला के एक ही चीज़ कही जा रही है कि अनीता के लिए सिर्फ एक ही चीज़ केयर करने वाली थी कि उसे क्लास में फ़र्स्ट कैसे आना है, और सिर्फ यह उसी चीज़ को केयर करती थी, बाकी की सारी चीज़ों को वह इग्नोर कर जाती थी। कितने फ्रेंड्स हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर कर जाती थी। ओके, आगे दिया है नॉट शो विथ नंदिनी, लेकिन नंदिनी के साथ ऐसा नहीं था। एवरीवन लाइक हर एक्सेप्ट अनीता, अनीता के अलावा हर कोई उसे पसंद करता था। नंदिनी ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन हर फेस एंड वॉज रेडी टू हेल्प एनीवन विद देयर होमवर्क। अनीता क्या, नंदिनी क्या करती थी, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी और किसी की हेल्प करने के लिए और हमेशा तैयार रहती थी अपने वर्क्स होमवर्क के साथ। यानी जो कुछ भी उसका होमवर्क रहता था वो एक दूसरे की हेल्प करने में हमेशा रेडी रहती थी और हमेशा चेहरे से स्माइल करती थी। वेन एवर देयर वॉज अ कलेक्टिव डिसीजन टू बी मेड, जब भी कोई डिसीजन लेना होता था तो द क्लास टर्न टू नंदिनी, तो पूरी क्लास जो है नंदिनी के पास जाती थी, बिकॉज वह हमेशा सबकी हेल्प करती थी, तो वह नंदिनी के पास सारी क्लास जाती थी। और इसमें दिया गया है एवरीवन ट्राइड टू गेट हर अटेंशन। अब हर कोई दिया पीपल लव द लाउडेस्ट व्हेन शी वॉज अराउंड, यानी कि जहाँ भी वो होती थी तो कई सारी बच्चियाँ साथ में हो जाती थी तो बातचीत चलती रहती थी। एंड एवरीवन ट्राइड टू गेट हर अटेंशन, और हर कोई उसकी बातों को सुनना चाहता था। ऑल दिस मेड अनीता वेरी एनवियस ऑफ नंदिनी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि अनीता और नंदिनी को अलग करती थी। बट शी वुड कंसोल हर सेल्फ से, लेकिन जो अनीता थी वो अपने आप से यही कहा करती थी, आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास एंड द कम सेकेंड एंड सी कम सेकेंड। मैं क्लास की टॉपर हूँ, हमेशा फर्स्ट आती हूँ, और नंदिनी जो है वह सेकेंड आती है। इट मीन्स वह टॉपर नहीं है, टॉपर्स में मैं हूँ जो कि टॉप करती हैं। एंड दैट मेक्स मी बेटर दैन हर, और यही चीज़ें मुझे उससे अलग बनाती हैं कि मैं हमेशा टॉप करती हूँ। ओके गैस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे रीड और एक्सप्लेन दोनों करूँगा। अभी मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन मोरल बता दे रहा हूँ, रीडिंग और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन फिर कभी बता देंगे। तो अभी इसमें जैसे दिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे जो कि एग्जामिनेशन से डरते थे। इस वाले पैराग्राफ में दिया गया है, ओके सॉरी कहना चाहेंगे, इसके पहले वाला पैराग्राफ दिया, दस अनीता डब्स द फ्लेम ऑफ जेलसी दैट एट एट हर हर्ट। इस वाले पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि जो अनीता थी वह जेलस करती थी नंदिनी से, वह जलती थी, है ना। और हर दिन क्या होता था, वह ये वर्ड अपने आप को रिपीट करती थी कि मैं तो क्लास की टॉप पर हूँ, और वह नंदिनी सेकंड आती थी। लेकिन नंदिनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वह जब भी उसे देखती थी तो एक प्यारी सी स्माइल दे देती थी। एंड हमेशा वो क्या होता था, नंदिनी अपना सेक्रीफाइस करती थी, त्याग करती थी, जो कुछ भी उसके पास रहता था उसकी हेल्प और दूसरे बच्चों को करने में हेल्प करती थी हमेशा। फिर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में थर्ड में दे रहा मोस्ट स्टूडेंट्स, तीसरे पैराग्राफ में पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन से डरते हैं, लेकिन अनीता के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अनीता नहीं डरती थी। वाई, क्यों नहीं डरती थी? द एग्ज़ाम्स ग्रेट जॉय फॉर हर। एग्ज़ामिनेशन क्या था उसके लिए, एक अच्छे एन्जॉयमेंट का समय होता था। जब भी एग्ज़ाम आता था तो उसके लिए बहुत खुशी होती थी उसे, क्योंकि वह सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट आराम से स्टडी किए रहती थी, राइट कर करके उन्हें प्रिपेयर किए रहती थी। एग्ज़ामिनेशन में उसे शो ऑफ करना रहता था कि उसने कितना पढ़ा हुआ है, इसलिए एग्ज़ामिनेशन से वो कभी डरती नहीं थी और उसका एंजॉय करती थी, ठीक है। और उसके बाद दिया है वहीं पे वो जो एग्ज़ामिनेशन होते थे वो एक अपॉर्चुनिटी होती थी, इसके लिए एक मौका होता था कि जितने भी अभी तक प्रिपरेशन की हो उसको शो ऑफ करें। बट वहीं जो नंदिनी थी उसके साथ ऐसा नहीं था, वो हमेशा तब भी और स्टूडेंट्स की हेल्प किया करती थी, ठीक है। बट अगर अनीता से कोई गलती से सवाल भी पूछ ले कि अनीता प्लीज़ मुझे एक दो क्वेश्चन बता दीजिए, सम कैसे होगा, तो हमेशा एक ही चीज़ कहती मैं बिज़ी हूँ, बाद में पूछना। या अगर किसी ने पूछ लिया कि ये थोड़ा सा इसका जवाब बता दो, तो खुद से कर लिया करो। इट मीन्स किसी भी सवाल का रिस्पॉन्स वह नहीं किया करती थी। वह एक ही चीज़, खुद से कर लो, खुद से मेहनत कर लो, मैं पढ़ी हूँ, अपने लिए पढ़ी हूँ, आपके लिए थोड़ी पढ़ी हूँ। आप लोग भी शायद ऐसे सोचते हो। सो फिलहाल आगे इसमें क्या दिया है कि अनीता का कैरेक्टर कुछ ऐसे ही था, वो अपने आप में घमंडी थी। वह एक भी बच्चे की हेल्प नहीं करती थी। जब भी कोई उसे कुछ पूछता कि ये इसका सम बता दीजिए, या इस चीज़ का आंसर क्या होगा, या ये नोटबुक दे के मेरी हेल्प कर दो, तो हमेशा मना कर देती थी और किसी भी बच्चे की हेल्प नहीं करती थी। बट वहीं पे जो नंदिनी थी वह अपना पूरा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती थी। यानी लोगों, अगर किसी ने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, उसके किसी फ्रेंड ने, किसी क्लासमेट ने, तो उसे इसको सॉल्व करने के लिए अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देती थी। अब अनीता क्या है, नंदिनी का व्यवहार समझ नहीं पाती, क्योंकि अब दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर, एक हमेशा हेल्प करने वाली, एक कभी हेल्प नहीं करती क्लासमेट्स की। तो अनीता जो है नंदिनी के बिहेवियर को, उसके व्यवहार को नहीं समझ पाती है। फिर क्या होता है, हमेशा उसे जो है गलत वर्ड्स के साथ, इडियट्स क्यों करती है, दूसरों की हेल्प इतने, ऐसा कह के जो है कहती रहती है। और उसे कहती है आप क्यों दूसरों की हेल्प करते हो, उसी जो समय आप दूसरों की हेल्प में बिताती हो उसी समय में आप स्टडी करके, जो हम दोनों के बीच की डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होती है इन दोनों के बीच में, एक फ़र्स्ट आती है, एक सेकंड आती है, उस चीज़ को ख़त्म कर सकती हो। लेकिन नंदिनी कहती है नहीं, मुझे लगता है शायद मैं नहीं बदल सकती अपने आप को, ठीक है। अब अनीता क्या कहती है कि कुछ ही दिन में उसका जो एग्ज़ामिनेशन था उसका होने वाला था, तो अनीता के लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया और फर्स्ट पेपर इंग्लिश का था। आप भी इंग्लिश स्टोरी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट पेपर अनीता का क्या था, अनीता ने पूरी क्लास का इंग्लिश का था, शेड्यूल जो है अनाउंस कर दिया गया। अब अनीता के लिए तो ऑल द बेस्ट था ही। अब उसके पापा ने क्या किया, मॉर्निंग में जब वो घर से निकल रही थी तो इसके पापा ने, चूँकि इसके पापा अनीता के मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो ये मॉर्निंग वॉक पे जाते समय अनीता को बेस्ट ऑफ लक बोले और उन्होंने ये भी कहा कि ड्राइवर आपको कार से ड्रॉप कर देगा स्कूल। अब क्या होती, अनीता जो है स्कूल जाती है। अच्छा, अनीता की एक खासियत ये भी है कि वो किसी भी बच्चे को, अपने किसी भी क्लासमेट को, किसी भी फ्रेंड्स को अपने गाड़ी से लिफ्ट नहीं देती है, ठीक है। तो अनीता क्या होती है, गाड़ी से, अपने कार, पापा की कार से स्कूल जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि सारे बच्चे स्कूल एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं, बट इसका चेहरा अभी थोड़ा सा वरी, घबराई हुई दिखती है। क्यों? अब ये अपने आप से ही क्या बात करती है कि बेवकूफ़ होते हैं लोग ना, समझ नहीं पाते एग्ज़ाम को। कैसे क्या है कि नंदिनी एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच पाती किन्हीं कारणवश से। अब यह अनीता जो थी, क्योंकि वो सेकंड आती थी और हमेशा एक दूसरे से जेलस होती थी, तो वो नहीं आई तो ये हमेशा उसी के बारे में सोच रही है और कह रही है, अपने आप से बड़बड़ा रही है कि बेवकूफ़ है, नहीं आती है एग्ज़ामिनेशन को, पता नहीं क्या समझती, ऐसे शब्दों के साथ वह अपने आप में मटर्ड कर रही है, बड़बड़ा रही है। उसके बाद क्या होता है कि आधे घंटे बीत जाते हैं तब भी नंदिनी नहीं दिखाई देती, और आधे घंटे बीत जाते हैं तब भी नहीं आती। इट मीन्स नंदिनी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया अभी तक एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच पाई थी। फिर क्या हुआ, सिर्फ जब आधे घंटे बचे थे एग्ज़ामिनेशन ओवर होने में, तब तक नंदिनी हाफते दौड़ते भागते हुए एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरफ आती। उसके चेहरे से एकदम पसीना टपकता रहता है। एंड द टीचर क्या करते, उसकी हेल्प करते, उसको एक चेयर, क्वेश्चन पेपर और नोटबुक प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे नंदिनी अब, क्योंकि समय तो बहुत कम बचा था हुआ, तो जितनी जल्दी हो सकती है आधे अधूरे तरीके से एग्ज़ामिनेशन को कंप्लीट करती है। एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होता है, सारे बच्चे नंदिनी के पास आ जाते हैं। व्हाट हैपन नंदिनी, क्या हुआ, तुम लेट क्यों आई। अब नंदिनी कुछ नहीं बता पाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। फिर कुछ क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं कि नंदिनी ऐसा करने का क्या मतलब था, क्यों लेट आई हो, कुछ नहीं बताती है। अब जब अनीता आती है उसे उसको क्या कहते हैं, एक दूसरे, क्योंकि जलस थे तो कान खिंचाई भी कह सकते हैं या कह सकते हैं उसको ताना मारती है, तुम हो ही लेजी, तुम तो आलसी हो, तुम एग्ज़ामिनेशन में लेट आती हो, अगर थोड़ी सी और लेट आती तो फेल हो जाती एग्ज़ाम में, तुमको इस चीज़ की चिंता ही नहीं रहती, इसीलिए हमेशा सेकेंड आती हो। तो जो भी भला बुरा कह पाती है वो उसे कहती है। कौन कहता है, अनीता कहती है यहाँ पे नंदिनी से, क्योंकि नंदिनी एग्ज़ाम में लेट आई हुई रहती है किन्हीं कारणवश से। क्या कारण था उसके अपने दोस्तों के पूछने पर भी वह नहीं बताती है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अनीता अपने गाड़ी में बैठ करके, अच्छा वहाँ जब अनीता जो है नंदिनी को बहुत भला बुरा कह रही थी, उसे ताने मार रही थी, तो नंदिनी क्या थी, रुआंसी हो गई, वहाँ से चली गई। अब अनीता क्या हुआ, अपने घर वापस आई, अब अनीता अपने घर वापस आती है। घर वापस आते ही वह देखती है कि घर पे बहुत सारे लोग, कुछ रिलेटिव्स, कुछ पड़ोसी, उसकी मम्मी, सब जो है एक जगह, और डॉक्टर्स एक जगह जो है रहते हैं। अब यह थोड़ी सी घबरा जाती, व्हाट हैपन, क्या हुआ। अब मम्मी के पास जाती है, मम्मी जो है कुछ कहती नहीं और इनको जो है कमरे में लिवा के जाती हैं जहाँ पे पापा रहते हैं। ये पूछती वेयर इज़ पापा, पापा कहाँ है, तो है मम्मी जो है इनकी, इनको वहाँ से लिवा के पापा के रूम में जाती हैं। फिर क्या हुआ, पापा एक बेड पर लेटे हुए थे, तो मम्मी ने कहा बेटा परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, दिक्कत नहीं हुई, अभी फ़िलहाल आप बात मत करिए, रहने दीजिए। और अनीता को लिवा के वह बरामदे में चली आती हैं। कौन, इनकी मम्मी, अनीता की मम्मी पापा से ज़्यादा बातचीत करने के लिए मना कर देती हैं, वह एक बेड पर लेटे हुए थे। अब क्या हुआ था वो आगे अभी पता चलेगा आप सबको, तो मना कर देती हैं बेटा अभी ज़्यादा बात मत करिए, और उसे लिवा के बरामदे में चली आती हैं। अच्छा जब चोट लगी थी तो अनीता क्या होती है, अपने पापा के पास जाती है, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था, अनीता अपने पापा के पास जाती है और पूछती है व्हाट हैपन डैडी, ठीक है, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसके पिताजी कहते हैं, उसके पिताजी बताते हैं कि आपके एक क्लासमेट ने मेरी मदद की। तो जब कहते हैं कि आपके एक क्लासमेट ने मदद की, तो यह समझ नहीं पाती बात किसकी की जा रही है। फिर बाद में मम्मी एक्सप्लेन करती, मम्मी उसे बताती हैं कि हुआ क्या था कि डैडी जो है मॉर्निंग